अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं हाफिज दानिश अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ख्वाबों की ताबीर। उम्मीद करता हूं सभी खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपकी दुआओं को, दिली मुकासिद को पूरा फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम बात करेंगे ख्वाब में जेल को देखने के हवाले से। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं और इनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में आगे चलकर बयान की जाएंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो गुफ्तगू शुरू करते हैं ख्वाब में जेल को देखना। ख्वाब में जेल को देखना रंजो गम उठाने और किसी बोहतान में बदनाम होने की अलामत है। ख्वाब में अपने आप को जेल में देखना, ख्वाब देखने वाला देखता है कि वो ख्वाब में जेल के अंदर है। सख्त मुसीबत दरपेश आने, कर्जदार होने या गुलामी इख्तियार करने की अलामत है। ख्वाब में जेल वालों के कपड़े पहनना, ख्वाब में कैदियों वाले कपड़े पहनना किसी काम के गमगीन, किसी काम के लिए गमगीन होने और परेशान होने की अलामत और दलील है। ख्वाब में जेल से आज़ाद होना, ख्वाब में जेल से आज़ाद हो जाना ये खौफ से महफूज होने, डर से अमन मिलने की अलामत और दलील है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते हुए वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, सदका जारिया समझ के सवाब की नियत से शेयर भी कर दें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह तबारक व ताला हमें तमाम जहां की खुशियां अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।